मुरादाबाद मंडल के कई जिलों में पंचायत चुनावों का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन से आज भारी संख्या में पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक का ये कहना है कि सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी लोग योगदान दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज मुरादाबाद पुलिस लाइन से रामपुर बरेली के लिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस फोर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कांस्टेबल व 120 सब इंस्पेक्टर को कोरोना संक्रमण के चलते खास प्रशिक्षण देकर चुनाव ड्यूटी पर रवाना किया गया। सभी को हमेशा मास्क लगाने व बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के हिदायत के साथ साथ ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करने की हिदायत दी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रथम चरण में होने वाले रामपुर बरेली पंचायत चुनाव में मुरादाबाद पुलिस लाइन से आज रोडवेज बसों के जरिए पुलिस कर्मियों को रवाना किया गया। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न कराने के बाद ये पुलिस कर्मी बिजनौर और अमरोहा में होने वाले दूसरे चरण का चुनाव संपन्न कराएंगे। उसके बाद संभल और मुरादाबाद में तृतीय चरण में होने वाले चुनाव को भी यही पुलिस कर्मी सकुशल संपन्न कराएंगे। आज मुरादाबाद की पुलिस लाइन से एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सभी को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी कदम उठाकर ड्यूटी करने की हिदायत दी। देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में जनपद रामपुर और बरेली के चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद को आवंटित पुलिस बल आज रवाना किया गया है। और ये पुलिस बल यहाँ से रामपुर और बरेली से निर्वाचन कराने के बाद द्वितीय चरण में सीधे बिजनौर और अमरोहा के लिए प्रस्थान करेगा और तृतीय चरण में जनपद मुरादाबाद में चुनाव है और उसके बाद हमें कुछ फोर्स संभल को भी देनी है। तो कितने जवानों को डिप्लॉय किया गया है? यहाँ से हमें करीब 750 जवानों को रवाना किया गया है। इसके साथ साथ 120 उपनिरीक्षक भी गए हैं और ये लोग द्वितीय चरण में प्रथम चरण के चुनाव कराने के बाद द्वितीय चरण में सीधे अन्य जनपदों के लिए जाएंगे। उसके बाद तृतीय चरण जब जनपद मुरादाबाद का होगा तो यहाँ वापस आएंगे।